आप सब लोग अगर PUBG वाली फिर बीच में खेलते हो तो आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स को तो फॉलो करते होंगे और बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देखते ही होंगे। लेकिन आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 10 ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा फेमस थे, और अगर PUBG के बहुत ज्यादा ओल्ड प्लेयर हो ना तो आप लोग इन यूट्यूबर्स को 101% जानते हो। लेकिन आज के टाइम पे वो जो 10 यूट्यूबर है उनको आज के टाइम पे कोई भी नहीं जानता है, मतलब उन्होंने कंटेंट बनाना ही बंद कर दिया है, उन्होंने यूट्यूब परमानेंटली छोड़ दिया है। लेकिन पहले के टाइम पे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, और भाई साहब तुम क्या, उन यूट्यूबर्स को पहले के टाइम पे मैं खुद फॉलो किया करता था, लेकिन आज के टाइम पे वो यूट्यूबर बिल्कुल गायब भी हो चुके हैं, उनको कोई भी नहीं जानता। और ये वीडियो देखने के बाद में आपकी ओल्ड मेमोरी जो है एक्टिव होने वाली है, और इस वाली वीडियो के अंदर जो आपको यूट्यूबर्स बताऊंगा ना सारे के सारे यूट्यूबर पबजी बीजीएमआई का ही कंटेंट बनाया करते थे, कुछ लोग लाइव स्ट्रीम किया करते थे और कुछ लोग नॉर्मल वीडियो डाला करते थे जिनकी वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आया करते थे। तो वो कौन से यूट्यूबर्स है वही बताऊंगा इस वाली वीडियो में। लेकिन उससे पहले, वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक कोई भी नहीं करता मेरे भाई, मतलब बहुत कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, तो इस वाली वीडियो पे 20K लाइक का टारगेट है, तो प्लीज कंप्लीट कर देना। एक लाइक से तुम्हारा कुछ नहीं जाता, तो लाइक कर देना, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो गाइस बात करते हैं कौन से है टॉप 10 यूट्यूबर्स जिनको आज के टाइम पे कोई भी नहीं जानता, और बीच में के अगर पबजी के ओल्ड प्लेयर हो ना तो आप लोग उन यूट्यूबर्स को 100% जानते होंगे। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज के बारे में। सो गाइस अगर आप लोग पर डे के 2 से 3 हज़ार रुपए कमाना चाहते हो तो मैं आपको एक एप्लीकेशन के अंदर बताना चाहता हूं जिसका नाम है विंजो। विंजो एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाते हैं जिन गेम्स को खेल के पर डे आप लोग 500 से 1000 रुपए इजिली विन कर सकते हो। इसके साथ साथ विंजो के अंदर एक ऑप्शन है गाइस बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का बीजीएमआई का, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बीजीएमआई के फ्री टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, और पार्टिसिपेट करके अगर आप लोग क्लिक करोगे फिर काफी अच्छा खासा आप लोग अपने गेम दिखाओगे तो पर डे आप लोग 200 से 300 रुपए आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टूर्नामेंट्स वगैरह, और ये टूर्नामेंट्स बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे गेम भी मिलेंगे जिनको खेल के आप लोग विंजो से बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो। तो यार कर क्या रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ विंजो को डाउनलोड करो और जल्दी से बहुत सारे रुपए कमाओ, और जो भी रुपए कमाओगे उसको आप लोग अपने बैंक अकाउंट के अंदर यूपीआई में और पेटीएम के थ्रू आप लोग विड्रॉल कर सकते हो। नंबर 1 पे जो यूट्यूबर आते हैं उनका नाम है राउडी गेमर, और यकीन मानो गाइस इनके चैनल पे 5,60,000 सब्सक्राइबर है, और ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे पहले के टाइम पे, हम लोग साथ में काम किया करते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से इन्होंने जो है अपना चैनल पूरी तरीके से छोड़ दिया। इनके चैनल पे सोच के देखो 5,60,000 सब्सक्राइबर है, और पहले के टाइम पे ये अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम किया करते थे, और सबसे बड़ी बात इनके लाइव स्ट्रीम पे 20K तक वॉचिंग आया करते थे, और जैसे ही लाइव आया करते थे इनके मतलब चैनल पे जो है 6 से 7 हज़ार लोग इनको कंटिन्यू लाइव स्ट्रीम पे देखा करते थे, मतलब इनकी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्टिव थी, इनका चैनल डेड नहीं हुआ था, बहुत अच्छा इनका चैनल चल रहा था, और इनकी जो वीडियोस वो मिलियंस के अंदर जाया करती थी। और सबसे बड़ी बात भाई साहब इनको बड़ी बड़ी कंपनियों ने स्पॉन्सर भी कर रखा था, मतलब मंथली ये काफी अच्छा खासा अर्न करते थे। मेरे को पता है कितना अर्न करते थे क्योंकि ये मेरे खुद के दोस्त थे, मतलब पर्सनल हम लोग साथ में खेले भी थे और बहुत ज्यादा अच्छी बातें वगैरह भी हम लोग किया करते थे। लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ, इनकी कोई जॉब लग गई है, फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन एकदम से इन्होंने जो अपना चैनल है वो क्विट कर दिया, और आज के टाइम पे ये अपने चैनल पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। मतलब तकरीबन इन्होंने जो है वो 6 से 7 महीने हो गए इन्होंने अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड किया ही नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। कभी आते हैं और वीडियो बनाते हैं कि भाई मैं एक्टिव रहूंगा, लेकिन ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। और अभी के टाइम पे मतलब कुछ रिसेंट डेज के अंदर इनके चैनल पे कोई दूसरा बंदा ही वीडियो डाल रहा है, पता नहीं उनका कोई दोस्त वगैरह होगा, लेकिन ये इन्होंने इतना बड़ा चैनल छोड़ दिया भाई साहब, मतलब इतना बड़ा चैनल कोई कैसे छोड़ सकता है, 6 लाख सब्सक्राइबर उन्होंने अपना चैनल को छोड़ दिया, मतलब तुम देख सकते हो। तो मेरे भाई ये जो है एक ऐसे यूट्यूबर है जो कि पबजी की स्ट्रीम किया करते थे और आज के टाइम पे इनको कोई भी नहीं जानता, मतलब सारे लोग इनको भूल ही चुके हैं। जब बंदा कंटेंट ही नहीं डालेगा अपने चैनल पे तो भाई क्यों ही कोई लोग देखेंगे, दूसरे यूट्यूबर बहुत है तो उनको देख लेते हैं, तो आज के टाइम पे इनको कोई भी नहीं जानता, लेकिन पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर थे मेरे भाई। नंबर 2 पे जो यूट्यूबर आते हैं उनका नाम है रॉग स्ट्रीम, जो कि एक गर्ल गेमर है, और इनका चैनल भी बहुत ही पहले के टाइम पे अच्छा चला करता था, और इनके चैनल पे अभी के टाइम पे 3,60,000 सब्सक्राइबर है, जो कि एक बहुत बड़ा ऑडियंस ग्रुप है, और इनके चैनल पे काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर है। इसके साथ साथ में इन्होंने अपने चैनल पे 1,000 के समथिंग जो है वीडियोस डाली है, और ये भी पहले के टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी, और ये पहले के टाइम पे लाइव स्ट्रीम किया करते थे अपने चैनल पे, और इनके इनका गेम प्ले भी काफी अच्छा था, और इसके साथ साथ में इनके लाइव स्ट्रीम पे व्यूवर्स भी काफी अच्छे खासे आते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये अपने चैनल पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, मतलब तकरीबन इन्होंने जो है 4 से 5 महीने के अंदर जो है तकरीबन 1 से 2 वीडियो ही अपने चैनल पे अपलोड किया है, मतलब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, 1-2 महीने के अंदर एक वीडियो अपने चैनल पे डाल देती है, और इन्होंने अपना चैनल बिल्कुल छोड़ रखा है। और पहले के टाइम पे अगर आप इनके चैनल को देखोगे ना तो इनके चैनल पे बहुत अच्छे खासे व्यू आते थे, मतलब 100K व्यू, 200K व्यू, 1 मिलियंस, मतलब मिलियंस के अंदर इनकी लाइव स्ट्रीम पे व्यू आते थे, और 20,000-30,000 लोग इनको लाइव स्ट्रीम पे देखा करते थे, मतलब ये बहुत ज्यादा पहले के टाइम पे पॉपुलर थी, जिस टाइम पे पबजी का
बहुत ज्यादा क्रेज था, लेकिन बीच में कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह हो गई, इसलिए इन्होंने अपना चैनल को बिल्कुल पूरी तरीके से क्विट कर दिया। और आज के टाइम पे ये यूट्यूब पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है और कोई भी इनको नहीं जानता है। लेकिन मेरे भाई ये फेसबुक पे मतलब लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं, फेसबुक पे काफी ज्यादा एक्टिव है, इनके फेसबुक पे 2 मिलियन फॉलोअर है जो कि मैंने चेकआउट किया था। मतलब फेसबुक पे ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, फेसबुक की जो ऑडियंस है वो इनको बहुत अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन जो यूट्यूब को फॉलो करता है उनमें से आज के टाइम पे इनको कोई भी नहीं जानता है। तो आप लोग इनको फॉलो करते थे पहले या नहीं करते थे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, तो नंबर 3 पे जो यूट्यूबर आते हैं उनके चैनल का नाम है सुनील इज लाइव, जो कि भाई साहब किसी और का चैनल नहीं है, मेरा ही चैनल है। और इस चैनल पे जो है अभी का टाइम पे 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर है। मतलब भाई साहब मिलियन सब्सक्राइबर होने के लिए लोग बोलते हैं कि भाई हमारे मिलियन सब्सक्राइबर कब होंगे, और इस चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर है। लेकिन इस चैनल की लास्ट वीडियो जो कब अपलोड हुई है वो तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो तुम लोग बोलो कि भाई इतना अच्छा चैनल है, इतने ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो तुमने इस चैनल को छोड़ा क्यों? क्योंकि इस चैनल का ओनर कोई और नहीं, इस चैनल का ओनर मैं ही हूं। और यहाँ पे अगर तुम पहले का टाइम पे देखोगे तो भाई साहब मेरे मिलियंस के जो है व्यूज आते थे और काफी अच्छा खासा चैनल ग्रो करता था, लेकिन मैं इस चैनल पे लाइव स्ट्रीम किया करता था। और मेरे को है ना, मतलब पहले मैं लाइव स्ट्रीम किया करता था और थोड़ा लाइव स्ट्रीम में कुछ सीन वगैरह हो गए थे, मतलब स्ट्राइक वगैरह आ गए थे, लाइव स्ट्रीम मेरी ऑफ हो गई थी। उसके बाद मेरा लाइव स्ट्रीम से मूड हट गया और आज के टाइम पे मेरे को लाइव स्ट्रीम बिल्कुल अच्छी लगती नहीं और मैं बिल्कुल भी लाइव स्ट्रीम नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने लाइव स्ट्रीम को पूरी तरीके से क्विट कर दिया मेरे भाई। और लाइव स्ट्रीम की वजह से पहले चैनल काफी अच्छा चलता था और आज के टाइम पे इस पे कोई भी मतलब वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करता हूं, ये चैनल ऐसे ही पड़ा है। लेकिन अगर तुम लोग मेरे को थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं इस चैनल पे कंटेंट वगैरह डालना वापस से स्टार्ट करूंगा। अगर तुम बोलोगे तो मैं जरूर इस पे कंटेंट डालूंगा, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कर देना, तुम्हारे भाई को कमेंट थोड़ा मोटिवेट कर देना। तो ये सिर्फ ये मेरा ही चैनल था और काफी अच्छी खासी इस चैनल से अर्निंग भी होती थी, और तुम इसके पीछे वाले व्यूज देखोगे तो मिलियंस में इस चैनल पे जो है व्यूज वगैरह आ रखे हैं। नंबर 4, तो नंबर 4 पे जो यूट्यूबर आते हैं उनका नाम है बूस्टर माइंड, जो कि भाई साहब इसके चैनल पे अभी का टाइम पे 4,90,000 सब्सक्राइबर है, जो कि बहुत ही बड़ा ऑडियंस ग्रुप है, फैन ग्रुप है। और इनके चैनल पे जो है लास्ट वीडियो जो अपलोड हुआ है वो हुआ है 5 महीने पहले, मतलब 5 महीने से इसका जो ऑनर है बूस्टर माइंड के जो भैया है उन्होंने अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। लेकिन पहले के टाइम पे मेरे भाई ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। अगर तुम लोग पहले के टाइम पे जाओगे जब पबजी वर्ल्ड का बहुत नया नया ट्रेंड था और जिस टाइम पे वीपीएन ट्रिक वगैरह, पहले अगर तुम ओल्ड प्लेयर हो तो तुम्हें पता होगा पहले पबजी वर्ल्ड के अंदर ना वीपीएन ट्रिक चला करते थे, ठीक है? तो वीपीएन ट्रिक के टाइम पे भाई साहब इनका चैनल पे इतने मिलियंस में व्यू आते थे और ये पबजी के टिप्स एंड ट्रिक्स भी डालते थे, मतलब जैसे पूरी फुल्ली टिप्स एंड ट्रिक्स डालते थे, बहुत बड़ी बड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे पोचिंग की सारी एक ही साथ टिप्स एंड ट्रिक्स, जॉर्ज पुल की एक साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरीके से। तो इनके चैनल पे उस टाइम पे बहुत सारे मिलियंस में व्यू आते थे, इनके पहले के टाइम पे अगर आप जाकर चेक करोगे तो मिलियंस में हर वीडियो पे व्यूज आया करते थे पबजी के टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो पे। लेकिन उसके बाद पता नहीं इनको क्या हुआ कि इन्होंने एकदम से चैनल पे धीरे धीरे व्यूज वगैरह कम होने स्टार्ट हो गए, कम तो नहीं थे मतलब ठीक ठाक इनके चैनल पे व्यू आते थे, लेकिन पता नहीं इन्होंने इनको क्या हो गया, आज के टाइम पे ये अपने चैनल पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। मतलब 5 महीने से इन्होंने अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। अब इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है, या तो बंदे का मूड हट गया हो यूट्यूब से, या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब उनका कोई जॉब लग गया हो, या फिर इतना अच्छी जॉब लग गई हो जो कि यूट्यूब मतलब यूट्यूब से भी आगे हो, इसलिए उन्होंने अपने चैनल क्विट कर दिया होगा। लेकिन इनका चैनल काफी अच्छा चलता था, डेड नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे पहले के टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे इनको बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब क्यों ही देखेंगे यार, जब 5 महीने से कोई कंटेंट अपलोड नहीं होता, लोग दूसरों के टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं, तो इनको आज के टाइम पे कोई भी नहीं जानता मेरे भाई। नंबर 5, तो नंबर 5 पे जो यूट्यूबर आते हैं ना वो इतने ज्यादा ओल्ड यूट्यूबर है कि अगर तुम लोग जो है पबजी के बहुत ज्यादा पुराने प्लेयर हो, पुराने प्लेयर से मेरा मतलब ये है कि तुम सीजन 2 या सीजन 3 से कंटिन्यू अभी तक खेलते आ रहे हो, और यूट्यूब पे भी अगर कंटिन्यू वीडियोस फॉलो करते हो यूट्यूबर्स की, तो आप इन यूट्यूबर्स को पक्का 100% जानते होंगे, जिनका नाम है फ्यूचर गेमिंग। फ्यूचर गेमिंग जो है वो पहले के टाइम पे अपने चैनल पे क्रेट ओपनिंग की वीडियो के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, मतलब पहले के टाइम पे क्रेट ओपनिंग किया करते थे, जिस टाइम पे हमें पबजी का जो है पी भी पता नहीं था ना, उस टाइम पे भाई सभी 8,000-9,000 यूसी लगा के रॉयल पास को मैक्स किया करते थे, क्रेट्स वगैरह ओपन किया करते थे, मतलब लेजिट यूसी पहले अगर कोई लगाता था ना तो फ्यूचर गेमिंग ही वो यूट्यूबर थे। पहले के टाइम पे कोई भी यूसी नहीं लगाता था क्योंकि इतना पबजी पॉपुलर नहीं था, लेकिन ये लगाते थे। और इनके चैनल पे आज के टाइम पे 1,95,000 के सब्सक्राइबर है, मतलब तकरीबन 2,00,000 सब्सक्राइबर जो है इनके कंप्लीट होने वाले हैं, 195 के सब्सक्राइबर इनके अभी चैनल पे है। और ये जो अपने चैनल पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, एक्टिव मतलब मेरा ये है कि अभी के टाइम पे बहुत पहले मतलब इन्होंने जो है चैनल छोड़ दिया था, मतलब 1 साल से इन्होंने अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, और अभी के टाइम पे मोंटाज वगैरह अपलोड कर रहे हैं जो कि कुछ इस तरीके का है, जो कि तुम यहाँ पे देख ही सकते हो। और जो है पहले के टाइम पे इनके काफी अच्छे खासे व्यू आया करते थे, अच्छे खासे मतलब बहुत ज्यादा अच्छे खासे आया करते थे, 1-2 लाख व्यू इनके चैनल पे जो है पर वीडियो पे जो है आ जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई ये है कि इनका गेम प्ले भी काफी अच्छा था, और इसके साथ साथ में पहले के जो ओल्ड प्लेयर थे ना पबजी के, वो सारे इनको फॉलो किया करते थे, क्योंकि यूसी लगाने वाला जो किंग था ना मार्केट में वो फ्यूचर गेमिंग ही था। और अब तो भाई साहब इनको कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने कंटेंट ही बनाना छोड़ दिया था और पूरा यूट्यूब छोड़ ही दिया था।
था, पता नहीं इन्होंने क्यों छोड़ा था, अभी वापस आए लेकिन पहले छोड़ देता शायद इनका स्कूल एग्जाम वगैरह कुछ होगा, लेकिन अभी के टाइम पे इनको बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब ना के बराबर। नंबर सिक्स, और नंबर सिक्स पे जो यूट्यूबर आते हैं उनके चैनल पे 6,20,000 सब्सक्राइबर है, जो कि बहुत बड़ा ऑडियंस ग्रुप है, और इनका नाम है कॉस्मिक वाईटी। कॉस्मिक वाईटी को आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आप लोग पबजी के ओल्ड प्लेयर हो तो मुझे पता है आप लोग 100% जानते होंगे। और इनके चैनल पे पहले के टाइम में भाई साहब इतने तगड़े वाले व्यू आया करते थे ना, मतलब इनका चैनल एकदम से बूस्ट जब मारा था, जब इन्होंने जो है गॉडज़िला वाला जो आउटफिट आया था, 50-60 हज़ार यूसी का इन्होंने जो है क्रिएट ओपनिंग किया था, मतलब अपने अकाउंट में 50,000 यूसी का जो है क्रिएट ओपनिंग इन्होंने किया था, जो कि पहले का टाइम पे बहुत ज्यादा था, मतलब 50,000 यूसी पहले कोई नहीं लगाता था मेरे भाई, आज के टाइम पे तो मिलियंस में यूसी लोग लगा देते हैं, लेकिन पहले 50,000 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर था। उस टाइम पे इन्होंने क्रिएट ओपनिंग किया था और इनका वीडियो बहुत तगड़ा वाला वायरल हुआ था, और पहले के टाइम पे इनकी लाइव स्ट्रीम देखने भाई सब लोग मतलब लाखों में आते थे, जैसे 20,000, 30,000, 40,000 की वॉचिंग इनकी कभी कभी जाते थे, इतना लोग इनको पसंद करते थे, क्योंकि इनका गेम प्ले काफी अच्छा था, और पहले के टाइम पे डायनेमो के साथ में, उसके साथ साथ क्रॉन्टन के साथ में पहले के टाइम पे खेला करते थे, लेकिन आज के टाइम पे कॉस्मिक वाईटी को कोई भी नहीं जानता। इसके पीछे का एक रीजन है, ये अपने चैनल से गए नहीं थे, मतलब पहले के टाइम पे इन्होंने थोड़ा छोड़ दिया था चैनल, थोड़ा सा छोटा था, ज्यादा नहीं छोटा था, कुछ थोड़ा गैप दे दिया था, और उसके बाद में इन्होंने पबजी को कंटेंट पूरी तरीके से गायब कर दिया, मतलब इन्होंने पबजी खेलना ही बंद कर दिया। अभी का टाइम पे ये जीटीए वगैरह खेलते हैं और बहुत सारे दूसरे अदर गेम जो पीसी गेम होते हैं वो खेलते हैं, लेकिन ये पबजी बिल्कुल भी नहीं खेलते। लेकिन जिस टाइम पे ये पबजी खेला करते थे उस टाइम पे इनका चैनल एक अलग ही पीक पे था मेरे भाई, लेकिन आज ये पबजी वबजी कुछ भी नहीं खेलते, दूसरे गेम जो होते हैं वही खेलते हैं। तो कौन कौन जानता है कॉस्मिक वाईटी को मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर सेवन, और नंबर सेवन पर जो यूट्यूबर आते हैं उनके चैनल पे है भाई साहब सब्सक्राइबर 1.4 मिलियन, जो कि बहुत बड़े सब्सक्राइबर है, मतलब भाई साहब 1.4 मिलियन किसे कहते हैं, और उनका नाम है जी गुरुजी, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जी गुरुजी को आज के टाइम पे कोई नहीं जानता, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इन्होंने अपना चैनल पूरी तरीके से छोड़ रखा है, मतलब पिछले एक साल से इन्होंने अपने चैनल पे एक भी सिंगल वीडियो जो है वो अपलोड नहीं की है। लेकिन पहले के टाइम पे जी गुरुजी का इतना ज्यादा क्रेज था ना, मतलब सारे लोग भाई साहब बोलते थे जी गुरुजी, क्योंकि इनका गेम प्ले भी काफी अच्छा है, और इसके साथ साथ ये जो कमेंट्री करते हैं ना अपने गेम प्ले, वो बहुत ज्यादा ओपी करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ओपी वाली कमेंट्री अपने चैनल पे जो है किया करते थे, बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी किया करते थे। और अभी का टाइम पे इनके चैनल पे 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर है, और इन्होंने जो है 600 से 700 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की थी, लेकिन इन्होंने एक साल से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। इसके पीछे का रीजन जो है वो क्या है तो मैं तुम्हें बता देता हूं, कुछ इनका केस वेस का कोई सीन हो गया था चैनल के रिगार्डिंग, तो ये अपने दूसरे चैनल पे वर्क करते हैं जो कि फारोफ वाला चैनल है, जिसपे काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर, बहुत सारे लोग उनको वहां पे भी फॉलो करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ये इस चैनल को इन्होंने बिल्कुल छोड़ रखा है, मतलब बिल्कुल भी ये एक्टिव नहीं है। लेकिन 1.4 मिलियन मेरे भाई बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर होता है। और इसके साथ साथ में इनका एक सेकंड चैनल भी था जिसका नाम था ग्लिच, जिस पे ये नॉर्मल जो है वीडियोस वगैरह अपलोड किया करते थे, और उसमें भी जो है 2,40,000 मतलब सब्सक्राइबर थे, लेकिन आज के टाइम पे उसमें भी एक साल पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था, आज के टाइम पे वो चैनल भी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, लेकिन भाई साहब उस चैनल पे भी मिलियंस में व्यू आते थे, मतलब भाई क्या ही वो चैनल चलता था, दोनों चैनल के काफी अच्छे खासे थे। लेकिन आज के टाइम पे एक साल से इन्होंने अपने चैनल पे बिल्कुल वर्क नहीं किया, जो कि देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मतलब इतना अच्छा चैनल था और एकदम से ऐसा, मतलब इन्होंने वीडियो वगैरह अपलोड करना बंद कर दिया, लेकिन ये अपने दूसरे चैनल पे अपलोड करते हैं वीडियो, और इनको बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है आज के टाइम पे। लेकिन जी गुरुजी चैनल इन्होंने पूरी तरीके से जो है वो बंद कर दिया, जो कि आपको पता ही है। नंबर एट, और नंबर एट पे जो एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसके सब्सक्राइबर तो थोड़े कम ही है, मतलब ज्यादा मिलियंस में नहीं है, लेकिन उस बंदे के जो व्यूज है ना वो मिलियंस में आया, जैसे 20 मिलियन, 30 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन इस तरीके से उसके एवरी वीडियो पे व्यू आ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे उस बंदे ने जो है अपने चैनल पे जो है वो 6 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड किया ही नहीं है। तो उस बंदे का नाम है DNA गेमिंग। आप लोगों को पता है DNA गेमिंग जो ना बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अगर आप YouTube पे शॉर्ट वीडियो देखते हो, मुझे पता आप शॉर्ट वीडियो देखते हो, क्यों? क्योंकि मैं ही शॉर्ट वीडियो इतने अपलोड करता हूं, तुम ही तो देखते हो और कौन देखता है, क्योंकि इतने व्यूज ही आते हैं। तो शॉर्ट वीडियो जो अगर मैं किंग कहूंगा ना पबजी मोबाइल का, तो वो है DNA गेमिंग। DNA गेमिंग अपने चैनल पे बहुत ही तकड़ी तकड़ी वाली शॉर्ट वीडियो अपलोड किया करते थे, और इनके चैनल पे भाई साहब अगर तुम जाके देखोगे ना तो मिलियंस में भाई साहब व्यू आया करते थे शॉर्ट वीडियो पे, बहुत अच्छी खासी ये शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे इनको कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने 6 महीने से कोई वीडियो अपलोड किया ही नहीं है, और इनके चैनल पे 1,77,000 सब्सक्राइबर है, मतलब 2 लाख के समथिंग इसके सब्सक्राइबर है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब इनके पीछे का एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं, ये मतलब चैनल पे एक्टिव क्यों नहीं है, शायद ये गलत भी हो सकता है। मेरा एक दोस्त था जो कि DNA गेमिंग का दोस्त था, तो उसने मेरे को बताया था कि जो DNA गेमिंग है
उनको कोई डॉक्टर वगैरह की मतलब कोई एग्जाम है और वो डॉक्टर बन गए हैं, ऐसा कुछ सबके इनका सीन है, इसलिए इनको जॉब वगैरह से रिलेटेड शायद तक इन्होंने चैनल छोड़ दिया है, और उनके फैमिली के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए इन्होंने चैनल को जो है पूरी तरीके से क्विट कर दिया है। और 2 महीने पहले इन्होंने जो है एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि आप लोग मुझे मिस करते हो फिर नहीं करते, तो उसमें भी अच्छे खासे वोट नहीं आए, मतलब आज के टाइम पे इनको कोई भी नहीं जानता, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा एक्टिव थे और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थे मेरे भाई, मैं खुद इनको फॉलो किया करता था शॉर्ट में। नंबर 9 और नंबर 9 पे जो यूट्यूबर आते हैं उन्होंने अपना चैनल बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे वो इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि रियल में जिस बंदे का तुम वीडियो देख रहे हो, मतलब अभी के टाइम पे तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं भी इनको फॉलो किया करता था क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत ही अच्छी वीडियो बनाया करते थे, अभी के टाइम पे अच्छी वीडियो बनाया करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे इनकी फैन फॉलोइंग मतलब कम हो गई है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थी, बहुत मतलब मिलियंस में इनके व्यूज आते थे यार, 1-1 घंटे के अंदर 1-1 लाख इनके व्यू आ जाया करते थे। तो उस चैनल का नाम है सॉफ्टवेयर हिंदी, जिनके चैनल पे आज के टाइम पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है जो कि बहुत ज्यादा है, और ये काफी अच्छे यूट्यूबर है, और ये अपने चैनल पे जो है पबजी के टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड किया करते थे, जिस तरीके से पहले मैं भी पबजी के टिप्स एंड ट्रिक्स बताया करता था और ये भी पबजी के टिप्स एंड ट्रिक्स ही बताया करते थे। तो इनके चैनल पे अगर आप पहले के टाइम पे जाके देखोगे तो भाई साहब मिलियंस के अंदर तुम लोगों को व्यू मिलेंगे, और नई टिप्स एंड ट्रिक्स और जो भी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स होती थी ना ये वही यही लेके आया करते थे, ठीक है। और अभी के टाइम पे अगर आप इनके चैनल पे जाके देखोगे तो ये कंटिन्यू मतलब अपने चैनल पे काम तो कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्होंने बीच में 1-2 वीक का साथ गैप लिया था, लेकिन कंटिन्यू काम कर रहे हैं, लेकिन वीडियो भी ये बहुत ज्यादा कम कर दिए व्यूज को देखते हुए, क्योंकि 8 दिन पहले इनके देखो व्यू वीडियो आई है, 9 दिन पहले 10 दिन पहले, मतलब ये काफी मतलब 10-10, 20-20 दिन छोड़ छोड़ के ये वीडियो अपलोड करते हैं, और अभी भी पबजी के टिप्स एंड ट्रिक्स ही देते हैं, लेकिन लोग आजकल बीजीएमआई के अंदर शिफ्ट हो गए और लोग पबजी के टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देखना चाहते, लेकिन इनका चैनल पहले का टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर था, और पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन अभी के टाइम पे व्यू कम आते हैं, मतलब अभी ये थोड़ा कम पॉपुलर है लेकिन पॉपुलर है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं गाइस आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और मैंने टॉप 10 का बोला था लेकिन टॉप 9 ही बताया है, एक बंदे का नाम मैं भूल गया, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया लेकिन वो बंदा मेरे को मिला नहीं, तो इसलिए मैं उसका नहीं बता पाया, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आप लोग इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, 20K लाइक का टारगेट है तो कंप्लीट कर देना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तुम्हारी मर्जी है तुम करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय गाइस, इस वाली वीडियो पे 10 करोड़ व्यू, ठीक है।